आज के वीडियो में हम देखेंगे नोनी जूस के बेनिफिट। नोनी जूस हमें नोनी प्लांट से मिलता है। इंडिया में नोनी प्लांट को इंडियन मलबेरी या होता है। गिव्स मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन द मॉर्निंग टू कोप विद ऑल द क्रेजी स्टफ दैट आई डू द रेस्ट ऑफ द डे। तो ये बेनिफिशियल किस तरीके से होता है, कौन कौन सी डिजीज के लिए बेनिफिशियल होता है, तो आइए देखते हैं इसको। तो नोनी जूस में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, विटामिन सी होता है जो कि आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, विटामिन B3 होता है, विटामिन ए जो कि आपकी आंखों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, आयरन होता है। नोनी जूस को मैजिकल ड्रिंक भी कहा जाता है। इससे गठिया बा जैसे रोग भी दूर हो जाते हैं। आपका जब गठिया बा जो होता है, आपके जॉइंट्स में कुछ यूरिक एसिड जो है वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ये यूरिक एसिड को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और इस वजह से आपको गठिया बा में आराम मिलता है। इसकी अगर आप इसको पीना नहीं चाहते और अगर आप इसको अपनी स्किन पर लगाना चाहते हैं तो इसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे मॉइस्चराइज़र की तरह वर्क करता है। एंड जो जिन लोगों को जॉइंट पेन रहता है, हड्डियों में पेन रहता है, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एज़ यू नो कि शिल्पा शेट्टी को सर्वाइकल था, तो उनका दिन नोनी जूस से ही स्टार्ट होता है। पानी पीने से पहले भी वो नोनी जूस की 4 बूंदें पीती हैं। एंड ये बहुत ही अच्छा होता है आपकी हेल्थ के लिए, आपके हेयर्स के लिए, आपके स्किन के लिए, एंड आपके जो जॉइंट पेन है उनके लिए। एंड कहा जाता है अकॉर्डिंग टू नेशनल सेंटर फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटीग्रेटिव हेल्थ सेंटर, इन्होंने कहा है कि ये कैंसर के इलाज में भी बहुत लाभकारी होता है। नोनी जूस स्ट्रेस को और डिप्रेशन को कम करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर आप बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं या फिर आपको बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है, ठंडा गर्म खाते ही आपको फीवर हो जाता है, तो ये आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। नोनी जूस को आपको खाली पेट सुबह पीना होता है, क्योंकि उसी टाइम सबसे ज़्यादा ये आपको बेनिफिट करेगा। ज़्यादा नहीं पीना होता, आप इसको जो बोतल आती है उस पर मार्क्ड होता है, तो उस बोतल पे जो 10 ml तक है उसको डेली आप ले सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, और उसके बाद आप आधा घंटे तक कुछ भी ना खाएं, बाकी आप अपना सारा रूटीन कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है खाली पेट लेना। लेकिन ध्यान रहे, कुछ लोगों का तासीर जो होता है ठंडे और गर्म को के अकॉर्डिंग होता है। जैसे किसी की ठंडी तासीर होती है, तो अगर वो कोई ठंडी चीज़ खा लेते हैं तो उनको प्रॉब्लम हो जाती है, एंड अगर गर्म तासीर होती है तो वो अदरक या फिर ऐसी कोई चीज़ खा लेते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है। तो आप 1-2 दिन पीकर देखें, अगर इसके आपकी हेल्थ पर कोई एज सच जुकाम या फिर आपको एलर्जी ना हो तो आपका इसका कंटिन्यू सेवन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और आपको इसके इफ़ेक्ट ये तो नहीं कहेंगे कि भाई 3 दिन में ही दिखाई देने लग जाएंगे, लेकिन हाँ, आपको पहले दिन से ही जैसे आपको अपने पेट में हल्का हल्कापन महसूस होगा, क्योंकि ये यूरिक एसिड को कम करता है।